गाइस हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। चलिए, आज टीचर डे है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। आज हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल भी है उसमें, जो आपके एग्जाम में तो आने आने वाला है, ये तो आप सब जानते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, बूस्टर क्लासेस है हमारी। पहला आता गंगा एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है? गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई आपकी 594 किलोमीटर। ये मेरठ से प्रयागराज को पास करेगा। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली और प्रतापगढ़, प्रयागराज इसके पासेज हैं। फिर आपका सेकंड नंबर पर आ जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लंबाई है 340 किलोमीटर, चांदसराय लखनऊ से हैदरिया गांव गाजीपुर तक इसका पास होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लंबाई है 296 किलोमीटर, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट को पास करेगा। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? यह आपका अभ्रक है, मुख्यतः आंध्र प्रदेश और कोडरमा झारखंड में पाया जाता है। क्या? अभ्रक सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला आता है चूना पत्थर, गुरुमा, कनच, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर आपका, है ना? यह आपका डोलोमाइट, मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। संगमरमर आपका मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। हीरा आपका बांदा में पाया जाता है। सैलखड़ी आपका झांसी में पाया जाता है। शासक और उपाधियां देख लेते हैं। अशोक की उपाधि कौन सी है? प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त की उपाधि कौन सी है? परक्रमांक, अप्रतियत और भारत का नेपोलियन। फिर चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधियां कौन कौन सी है? विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त की उपाधि कौन सी है? क्रमादित्य। चलो कुछ नदी और उनके आधुनिक नाम देख लेते हैं। पहले समय में उनको क्या कहा जाता था, नदियों को, और इस समय में क्या कहा जाता है? पहली आपकी कुंभा, कुंभा अब इस समय क्या कहते हैं उसको? काबुल कहते हैं। परस्वरी नदी रावी, विशस्ता झेलम, सदनीरा को गंडक नदी कहते हैं, सतुंद्री को सतलज कहते हैं और अश्विनी को आप चेनाब कहते हैं। तो गाइज, मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाए हैं, आपके एग्जाम में आने आने वाले, इनको ध्यान से पढ़िए, याद करिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।